हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो निधि की दुनिया के ऊपर रिएक्शन वीडियो है। जब से वो यहाँ पे आई है, मम्मी जी माँ बाप इनके आ गए हैं, बच्चे के बर्थडे के बहाने वहाँ से आ गए हैं, मम्मी पापा भी आ गए हैं। जब मम्मी पापा के बाद मतलब रहता है, बस जब तक मम्मी पापा नहीं थे घर में खाना नहीं बन रहा था। अब जब से मम्मी आई है तो घर पे खाना भी बन रहा है। ये खाली बैठ के दूध में बॉर्नविटा घोल के वही पी पी के दिखा रही है। बच्चा पहले भी, इससे पहले इसने मम्मी पापा को लड़ झगड़ के भगाया। इसने सोचा कि बहुत ऐसे रहूंगी, माँ बेटा बड़े ऐसे रहेंगे। और पार्टी भी की थी, आप लोग को याद है, इकट्ठा पूरा वैसे पूरा फैमिली पैक ला के इसने आइसक्रीम जो है कैसे अकेले माँ बेटा ठूसे थे। तो वैसे ही ये सोची थी, बहुत ऐसे रहेंगे, खाना भी बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से खरीद लेंगे। बच्चा बाहर खाई लेता है, इसकी जो दूसरी वाली बच्चे की अम्मा है करण अम्मा, उनके यहाँ खाई लेता है, बच्चा दूसरा पा खिला देगा इसको। जो है दिन के 15 घंटे ये वीडियो बनाती है, दिन के 4 वीडियो 20-20 मिनट के भी अगर लगा लीजिए तो 15 घंटे किस बात के लगते हैं। हम लोग भी वीडियोज बनाते हैं, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमारे भी 2-3 वीडियो आ जा रही है क्योंकि हम रिव्यू भी दे रहे हैं बिग बॉस के, उधर दूसरे चैनल पे भी आ रही है। लेकिन फिर भी हमें घर का पूरा खाना भी बन रहा है, घर के काम भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। दिन भर हम घर का काम निपटाते हैं, शाम को अपने वीडियोस बनाते हैं और फिर हम आपसे कहते हैं, लाइव आके कहते भी हैं कि हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो मुझे खाना बनाने का भी रहता है, काम रहता है, तो कैसे 15 घंटे कोई वीडियो बना सकता है, कैमरे के आगे रह सकता है। ये तो बिग बॉस से भी भयंकर वाला गंदा बिग बॉस है, हाउस है जिसमें ये एक कबाड़ी रहती है। अच्छा, बच्चा जो है दिन भर दूसरी अम्मा क्या खाता है, ये जो है माँ बाप बच्चे के बर्थडे के बहाने आए गए हैं। ये कहती मैं अपने बाप से कुछ नहीं लेती, टिफिन में जो खाना आता है ये तो सिर्फ चावल बनाती है, भर के आता है, तो क्या राशन पहुंचाने जाती है? नहीं ना, ये सिर्फ इसी तरह करती है। और इसको जो है काफी हद तक सिर्फ बाहर का खाना। अब मम्मा 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 क्यों, मम्मा खाना बनाए, मम्मा हमें लगता है 3 महीने के कपड़े बचे थे, मम्मा वो धोए, मम्मा बच्चे को खिलाए, मम्मा वो करे, और जो असल में नागिन अम्मा है वो खाली बैठ के वीडियोस बनाए और दूध और जूस पी के आपको दिखाए। कपड़े लेके बैठी धोने बाथरूम में बैठ के, और ज्ञान दे रही कपड़े रोज धो लेने चाहिए, खुद 3 महीने बाद कपड़े धो रही है और उसको दूसरों को ज्ञान दे रही है यूट्यूब पे कि कपड़े धोने चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहन तेरे मुंह से साफ सफाई की बात अच्छी नहीं लगती है, तेरे मुंह से जैसे लगता है कि किसी ने हक दिया है और वो तू साफ सफाई की बात करती है, जो खुद इतनी गंदी है, ना कपड़े धोती, ना बर्तन धोती, ना खुद को धोती, ना घर साफ करती, ना अपना मुंह साफ करती, खाली लिपस्टिक और काजल लगा के 15 घंटे भगवान जाने क्या वीडियो बनाती। उसको ये जो है साफ सफाई की बातें वो ज्ञान पेल रही है बैठ के यूट्यूब पे बैठ के कि साफ सफाई से रहना चाहिए, साफ सफाई करनी बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, फिर दूसरों को ज्ञान देते देते खुद भी वो इतनी आलसी है, बच्चे को भी इसने इसी तरह से बना रखा है। बच्चे के पास क्या है, जब माँ खाना बना के बच्चे को माँ खिला रही है, बच्चे को माँ देख रही है, नाश्ते में तूने ब्रेड और बटर दे दिया बच्चे को, अब तो नाश्ता भी बना के तू पराठा सब्जी रोटी सब्जी नहीं देती, ब्रेड बटर दे दिया, ब्रेड बटर में कितना टाइम लगता है। उसके बाद तू बताती मेरे पास टाइम नहीं, किस बात का टाइम नहीं, क्या करती है 15 घंटे वीडियोस बनाती है, इसके अलावा क्या करती है? घर साफ करने के बाद, घर के सारे काम खाने के बाद वीडियोस बनाए तो समझ में भी आता है। बनाते बनाते भी लोग, जैसे अब हमारा चढ़ा है, हमने 15 मिनट की वीडियो है, धीमाच पे कुछ चढ़ाया हुआ है या कुछ है, तो बीच में आके अगर हमें शॉर्ट बनाना है तो हम वो भी बना लेते हैं, लेकिन घर का काम भी जरूरी होता है। हम लोग क्या, भैया नहीं करेंगे तो 50 बातें हस्बैंड भी सुनाएंगे, अच्छा खुद को नहीं अच्छा लगेगा। तो आदत पड़ गई है कि सुबह इतना घर साफ हो जाना है, इस टाइम पे खाना बन जाना है, इस टाइम पे डिनर बन जाना है, इससे वो आदतें कभी डाली नहीं है, कभी देखी नहीं है, बच्चे को इस तरह से कर रही है। अच्छा, आलसी की बात बताए, आपको इतना आलसी है, खुद लेटी हुई है और कह रही बच्चे से, कह रही डंडा ले आके एसी बंद कर दो, डंडा ले आके एसी बंद कर दो। आज तो डंडा से वो एसी बंद कर रहा है, कल को डंडा नहीं मिलेगा तो मॉप वॉप का जो स्टील और लोहे का रॉड होता है उससे एसी बंद करेगा, कितना बड़ा खतरा है। बिजली से भी खिलवाड़ बच्चे से करवा दे रही है। अच्छा, 2 मकान में जब इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम तो तेरे पास है ना कि माँ जब सारा काम कर रही है तो जाके दूसरा वाला घर साफ कर ले, क्या वो इंतजार में बैठी कि उसमें भी कीड़े पड़े तब तू जाके देखे? कुछ भी नहीं करना है, दोनों घर ऐसे ही पड़े हुए हैं, कबाड़ में रहने में कूड़े में रहती है बिल्कुल। हम तो कहते हैं वो जो नहर वहर के किनारे, नालियों के किनारे रहते हैं, वो भी सोचते हैं जो झोपड़ पट्टी बनाए हुए उसके अंदर थोड़ी सी झाड़ू मार के साफ कर ली, ये तो वो भी नहीं साफ करेगी, इतनी गंदी औरत है। माँ नौकरानी आई गई है, काम का कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, नहाना इन लोग की खुशी में नहीं है, जब तक वो किरण थी तो कभी कभार इसका बच्चे को नहला देती थी, वरना ये ना कभी बच्चे को नहलाती, माँ खुद नहीं नहाती इसकी, महीनों नहीं नहाती, कैसे कैसे बाल हो रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, तो वो बच्चे को भी नहीं नहलाती, इसको भी कभी नहाने को उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं है, इसने छोटे से कभी नहीं नहाया होगा। बच्चे बहुत छोटे में डरते हैं पानी के नीचे, तो माँ बाप नहीं ले जाता तो ये डरेंगे, वो बड़े होके भी डरते हैं, बुढ़े होके भी डरते हैं, 35-36 साल की औरतें तुम्हारी, तो तुम जो है जैसे पानी से डरती हो, पानी से दूर भागती हो कि पानी अगर चल भी रहा होगा तो छिट्टे भी ना पड़ जाए, वो वाला हाल है। तो भैया पॉजिटिव ब्लॉग दे रही हो तो साफ सफाई भी दे दो,
अपनी सफाई भी करके दिखा दो, माँ की भी सफाई करके दिखा दो। माँ से इतना काम, नौकरानी की तरह काम कराने से बेहतर है कि खुद भी काम कर लो और माँ को थोड़ा आराम दे दो। क्या बताए, इन सब सब ऐसे हैं, जितना भी सिखा लो जितना भी समझा लो, इनको कोई नहीं, इनको तो व्यूज से मतलब है। इनको अभी दो तीन दिन पहले की वीडियो पे इसने नदी ने खुद बोला है कि मुझे पता है मेरे चैनल को कैसे चलाना है, मुझे पता है कैसे अपने चैनल को अप करना है। मिसलीडिंग टाइटल फिर शुरू हो गए, मेरे बेटे में झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब सॉरी मम्मी पापा, मुझे मेरे मोबाइल में जितने भी प्रूफ थे मुझे लगाने पड़ेगा, वीडियो में कुछ नहीं है। ऐसी मतलब क्या बताए, इस तरह की ब्लॉगर, इस तरह की औरत है। चलिए इस औरत के बारे में जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे लोगों पर इसीलिए हम वीडियो ला रहे हैं, बिग बॉस रिव्यूज भी दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग का मन हमारे चैनल पे लगा रहे हैं। मिलते हैं, बाय बाय।